नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर और मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीश कांत। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑनलाइन ITR फाइल करने वाला पोर्टल है www.incometaxindiaefiling.gov.in, लेकिन अभी ये पोर्टल बंद होने जा रहा है और इसकी जगह पर नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, हम इस एपिसोड में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, सवाल पूछें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं, काम की बात की जाती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दरअसल आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले महीने यानी जून की शुरुआत में करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के लिए एक नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल ITR दाखिल करने और दूसरे कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा, साथ ही साथ मौजूदा ITR फाइल करने वाला वेब पोर्टल 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 जून 2021 को अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा www.incometax.gov.in। नए ई फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in का मकसद टैक्स पेयर्स को सुविधाजनक निर्बाध अनुभव उपलब्ध कराना है, यानी किसी तरह की तकलीफ ना हो इस्तेमाल करने में, ऐसी कोशिश है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। नए पोर्टल को करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करते हुए तत्काल आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ एकीकृत किया गया है। टैक्स पेयर्स के द्वारा अनुवर्ती कार्य के लिए सभी संवाद और अपलोड या लंबित कार्यों को एकल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये सब जो नई वेबसाइट आ रही है ना, उसकी खास खास बातें हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा किसी कर जानकारी के बिना भी प्री फाइलिंग की सुविधा के साथ डाटा प्रविष्टि को न्यूनतम बनाते हुए टैक्स पेयर्स को ITR भरने में सहायता के लिए संवादात्मक प्रश्नों के साथ मुफ्त में ITR तैयारी से जुड़ा सॉफ्टवेयर मुफ्त ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। FAQ यानी बार बार पूछे जाने वाले सवाल, ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबोट या लाइव एजेंट के साथ करदाता के सवालों के तुरंत जवाब देकर करदाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर बनाया जाएगा। डेस्कटॉप पर सभी प्रमुख पोर्टल कार्य मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे, जो बाद में मोबाइल नेटवर्क पर किसी भी समय से पहुंच के लिए सक्षम बना दिए जाएंगे, यानी इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। नए पोर्टल पर नई ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली को करदाता के किसी भी बैंक खाते से करों के आसान भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड और RTGS या NEFT के इस्तेमाल से कई नए भुगतान विकल्पों की सुविधा से युक्त बनाया जाएगा। इसके शुभारंभ के लिए और प्रवासन गतिविधियों के लिए तैयारी में विभाग का मौजूदा पोर्टल, जो कि मैंने शुरू में बताया है www.incometaxindiaefiling.gov.in, 1 जून 2021 से 6 जून 2021 तक 6 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए करदाताओं के साथ ही अन्य बाह्य हितधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यानी जो भी काम करना है 31 मई तक कर ले, उसके बाद आपको 6 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब नया पोर्टल 7 जून को शुरू होगा तभी आप काम कर सकते हैं। तो 31 मई तक निपटा ले पुराने पोर्टल के जरिए जो भी काम है आपके। करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के क्रम में विभाग इसी अवधि के दौरान किसी प्रकार की अनुपालन तिथियां निर्धारित नहीं करेगा, यानी इस दौरान कोई भी तिथि निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नई प्रणाली पर प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से करदाताओं को समय देने के लिए करदाताओं को सिर्फ 10 जून 2021 से ही मामलों की सुनवाई करने या अनुपालन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान निर्धारित सुनवाई या अनुपालन जिसके लिए ऑनलाइन पेश होने की जरूरत होती है को समय से पहले किया जाएगा या स्थगित किया जाएगा और कामकाज को इस अवधि के बाद के लिए निर्धारित किया जाएगा। यानी 1 जून से लेकर के 10 जून तक इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। विभाग ने बैंकों, MCA, GSTN, DPIIT, CBIC, GEM, DGFT सहित बाह्य इकाइयों जो पैन सत्यापन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं,
को सेवाओं की अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया है, जिससे ब्लैकआउट अवधि से पहले या उसके बाद कोई जरूरी गतिविधि पूरी की जा सके। किसी भी तरह की प्रविष्टि, अपलोड या डाउनलोड से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को 1 जून 2021 से पहले करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। विभाग नए ई फाइलिंग पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने और शुरुआती अवधि के दौरान सभी करदाताओं और अन्य हितधारकों से नई व्यवस्था के साथ तालमेल कायम करने तक धैर्य रखने का अनुरोध किया है। यह सीबीडीटी के करदाताओं और अन्य हितधारकों को आसान अनुपालन उपलब्ध कराने की दिशा में की गई एक पहल है। तो इस तरह से आईटी रिटर्न फाइल जो करते हैं ऑनलाइन, उनके लिए बहुत ही जरूरी खबर है, और इस खबर को अपने ध्यान में रखकर ही इनकम टैक्स से जुड़े हुए काम को अंजाम दे तो फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।